आज से शुरू हो रही इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कैमूर जिले के भभुआ और मोहनिया में बनाए गए हैं कुल 24 परीक्षा केंद्र। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा धारा 144। शहीद संजय सिंह कॉलेज को बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र। चौसा मोहनिया रोड पर महावीर स्थान के पास अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से एक दरौली गांव की युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक युवक नुआ थाना क्षेत्र के दरौली गांव निवासी बताया गया है, जिसकी शादी मात्र 24 दिन पहले हुई थी। मोहनिया पुलिस के आह्वान पर एनएचआईए ने अलग अलग मामलों में जब्त किए गए वाहनों को मेन रोड से हटाकर इंटीग्रेट चेक पोस्ट के परिसर में कराया स्थानांतरित। मोहनिया थाने की पुलिस द्वारा जब्त वाहनों को मेन रोड पर ही खड़ा करने से अक्सर होती दुर्घटनाएं एवं जाम से होती थी परेशानी। कुदरा प्रखंड के सकरी गांव के पास हाई नेशनल पर ओवरलोडेड अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को कुदरा अंचल अधिकारी ने कराया जब्त। पकड़े जाने के भय से ट्रैक्टर चालक ने चलती गाड़ी से कूदकर हुआ फरार। आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। कैमूर प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों के विकास अधिकारियों को नशा मुक्ति अभियान को लागू करने के लिए सौंपा गया एक और नया काम। कैमूर जिले के सभी गांव में पारंपरिक रूप से ताड़ी का उत्पादन और बिक्री कर रहे परिवार के सर्वेक्षण करने का सभी वीडियो को जारी हुआ आदेश। जिले के सभी थाना परिसर के पास वाहन जांच अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वसूला गया जुर्माना। बिना मास्क DLRC व बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे चालकों से पुलिस ने काटा चलान। हेलमेट न पहनने पर देना होगा एक्स्ट्रा 12% जुर्माना। कैमूर जिले में पिछले 24 घंटे में हुए 1195 कोरोना जांच की रिपोर्ट में चांद प्रखंड में सिर्फ एक मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। कैमूर जिले में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार होते हुए कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या घटकर हुई 32। चांदपुर थाना परिसर में विदाई समारोह आयोजित कर थाना अध्यक्ष उदय भानु सिंह की हुई विदाई। दिसंबर 2020 से चांदपुर थाने में कार्यरत उदय भानु सिंह का भोजपुर जिले के थाने में ट्रांसफर होने पर थाने के सभी पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए ली विदाई। चांद थाना क्षेत्र की सिलोटा गांव से गुप्त सूचना के आधार पर 14 बोतल देसी ब्लू लाइन शराब के साथ एक धंधेबाज को चांद पुलिस ने किया गिरफ्तार। चांद थाना प्रभारी ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिलोटा गांव में छापेमारी कर प्रकाश बिंद को शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। शिक्षकों द्वारा शराबियों की जासूसी करने के आदेश पर भड़के शिक्षकों ने दूसरे दिन भी सरकार के आदेश की प्राप्ति को जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। भड़के शिक्षकों ने बताया, मास्टरों से शिक्षा दिलवाने के बजाय अलग अलग कामों में फंसाकर राज्य के बच्चों का भविष्य खराब कर रही है बिहार सरकार। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।